हाँ जी, क्या हाल चाल। लगभग 10 से 15 दिन के बाद वीडियो फिर से कंटिन्यू हो रहा है और अब भाई चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। और आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये एक काफ़ी कमाल का बिजनेस आइडिया के ऊपर होने वाला है। मतलब एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ ना, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इस बिजनेस आइडिया के बारे में समझेंगे ना भाई, तो आपको भी ये बिजनेस करने का मन जरूर होगा। क्या बिजनेस होने वाला है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो के अंदर हम सारा चीज़ जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारी वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि ये बिजनेस वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। अभी आपके सामने में दिख रहा होगा ये जो मशीन होता है, इसे हम बोलते हैं मल्ली मशीन। और मल्ली मशीन का मेनली जो यूज होता है भाई, वो यूज ये होता है कि जो अपना बेसन वगैरह होता है, इसे हम मिक्स करते हैं इसमें और मिक्स करके डो बनाते हैं। मतलब नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे आटा को गूंथा जाता है ना, वैसे बेसन को भी गूंथा जाता है और बेसन को गूंथ कर डो बनाया जाता है। तो इसे हम भाई मेनली जब हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो हाथ से करना पॉसिबल तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्ली मशीन का यूज करते हैं। अब जब अपना कम्प्लीटली डो बन के रेडी हो जाता है, तो इसे हम फ्राई करने के लिए यूज करते हैं। अपने पास फ्रायर मशीन होता है और जो अपना सेफ देने में मेनली काम आता है, उसे हम फरसान बोलते हैं। फरसान के साथ आपको अलग अलग तरह के कई सारे डाई मिल जाते हैं, जिसमें आप भुजिया बना सकते हैं, इसमें आप फाफड़ा बना सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह के आप इसमें मटेरियल निकाल सकते हैं और लगभग 10 से 12 डाई आपको इसमें बिल्कुल साथ में मिल जाते हैं। जैसे भुजिया का पतला सेव, मोटा सेव, जो भी आपका सेफ होता है, आप आसानी से निकाल सकते हो और काफ़ी भाई ईजी प्रोसेस में आप इस पर वर्क कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर हम फ्रायर के बारे में आपको बता देते हैं, तो फ्रायर जो अपने पास आता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो इलेक्ट्रिक फ्रायर आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फ्रायर में क्या है भाई, कि आपको बिंदास होकर बस आपको एक टेम्परेचर सेट कर लेना है और नॉर्मल आपको वर्क करना पड़ता है। दूसरा जो होता है, जो गैस से चलने वाला फ्रायर जो आता है, या फिर डीजल से चलने वाला भी आप बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग तरह आते हैं, लेकिन हम जिस फ्रायर के बारे में बात करने वाले, आपको दिखाने वाले हैं, ये होने वाला है अपना इलेक्ट्रिक फ्रायर। और इसी के बारे में आपको हम आज दिखाने वाले भी हैं। तो चलिए, जो अपना जो डो बनाकर हमने रखा था ना, डो को हम इसमें मशीन में डालते हैं और डालने के बाद आप देख रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का शेप बन के इसमें निकलने लगते हैं। निकलने के बाद इसे हम एक बार में ही फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एक घंटे में लगभग भाई 80 किलो से लेकर 100 किलो तक का फ्राई कर सकते हैं। मतलब उतना मटेरियल आप बना के निकाल सकते हो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप छोटे लेवल पर भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं ना, तो आप आसानी से इतना अर्निंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो सेफ होते हैं, सेफ निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे मसाला मिक्स करना होता है। क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये नमकीन होता है, तो नमकीन इसमें टेस्ट आ जाता है, लेकिन इसे और भी चटाकेदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे फ्लेवर मिक्स करते हैं, ताकि मार्केट में मेरा अच्छा खासा रन भी करे और जो टेस्ट जो होता है ना भाई, टेस्ट भी काफ़ी कमाल का है। तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, मसाला मिक्स करेंगे। और मसाला मिक्स करने का भाई बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको एक मिक्सर मशीन दिख रहा होगा, जिसे हम हांडा भी बोलते हैं। इस हांडे में हम डालेंगे जो भी अपना मसाला होता है। हम एक बार कम्प्लीटली मेजर कर लेंगे कि कितना केजी का लॉट जब हम रेडी करते हैं, तो उसमें कितना मसाला हमारा जाता है, और इसमें हम मसाला मिला देते हैं। मसाला मिलाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि भाई हम इसे पैकेट में पैक करके मार्केट में सेल करेंगे। तो पैकेट में पैक करने के लिए भी अपने पास पाउच पैकेजिंग मशीन मिल जाता है, जिसमें आप भाई जितने भी ग्राम का पैकेट पैक करना चाहते हैं, आप आसानी से पैक कर सकते हैं और पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो भाई आपको लगा ना, काफ़ी कमाल का बिजनेस आइडिया है। मतलब भाई नमकीन बनाकर आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आपने मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड भी देखे होंगे भाई, जो काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो अगर आप भी उस ब्रांड के अंदर में काम करना चाहते हैं भाई, उस ब्रांड लेवल में बनना चाहते हैं, तो आप अपना कंपनी लगाकर आप काम कर सकते हैं, और बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस में। हालांकि अगर आपको लाइव डेमो लेना है या फिर मशीन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो ऑन स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, डायरेक्टली आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी को आप विजिट कर सकते हैं। रॉयल फूड एंड प्रोसेसिंग मशीन, जो कि नोएडा सेक्टर 10 की कंपनी होने वाली है, डायरेक्टली आप यहाँ पर भी आकर विजिट कर सकते हैं। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेरी है, फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके मशीन को ऑर्डर कीजिए। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।